भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के जोधपुर दौरे में एक कार्यक्रम ऐसा भी था जो पूरा नहीं हो सका। दौरे की योजना में अमित शाह का एक वार्ड अध्यक्ष या सरकार की योजना के लाभार्थी के घर जाना प्रस्तावित था। शाह दलित परिवार के घर जाकर खाना खाना चाहते थे और एक मैसेज देना चाहते थे। वे ऐसा पहले भी कर चुके हैं। इसके लिए बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारियों ने 2 लोगों का चयन किया, लेकिन उनके नाम पूरी तरह से गुप्त रखे गए। अमित शाह को मसूरिया पहाड़ी पर बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि के दर्शन करने जाने से पहले इसी इलाके में रहने वाले बूथ अध्यक्ष जगदीश गवारिया या नट कॉलोनी में महिला वकील सोनू मनावत के घर जाना था। दोनों ने ही इसके लिए तैयारियां की थी। उनके घर के बाहर नगर निगम ने लाइनिंग भी करवाई, लेकिन सभी तैयारियां धरी रह गई। अमित शाह दोनों के ही घर नहीं जा पाए। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नहीं आने पर जगदीश गवारिया मायूस हुए, लेकिन हताश नहीं। सर जी, हमारी दायित्व ये है, हम जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, पर्ची बनाते हैं, घर घर पहुँचाते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। और कब से जुड़े हुए हैं आप? हमारे दादाजी के टाइम से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ अमित शाह आने वाले थे, कोई कारणवश नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, पर हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे घर एक छोटा सा तुच्छ कार्यकर्ता के यहाँ भगवान की तरह प्रकट होने वाले थे, और इतने उत्साहित थे कि हम आज हमारे जीवन भी एक तरह से सफल मान रहे थे कि हमारा जीवन सफल हो गया, इस तरह से मान रहे थे। आज आलू सब्जी बनाई, सोगरा बनाया, कड़ी बनाई, गुड़ बनाया। तो अमित शाह आने वाले थे, उनके लिए हमारे दादी जी ने जो भोजन बनाया था, राजस्थानी भोजन, वो अमित शाह के लिए, पुरुषों के लिए बनाया था। और हम जो रोजाना खाते थे वही तरह का भोजन आज हमारे अमित शाह साहब अध्यक्ष जी है, उनके लिए बनाया था। वो नहीं आ, किसी कारणवश नहीं आ सके, उसके लिए कोई बात नहीं। हम आज से जन्म, मेरे पिताजी, मेरे परदादा जी थे, बीजेपी के हैं, और पापा दादाजी भी हैं, और पापा जी भी हैं, और मैं भी हूँ, और मेरा भतीजा है, वो भी इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, और पूरा परिवार भाजपा पार्टी का ही है।